कानपुर मेरे लिए बहुत ही प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि मैं अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अंडर 22 के लिए टोनी ग्रेग की टीम के खिलाफ 1976 यहाँ पे लिम्जी फिरोजे बेलीमोर पेवेलियन में खेला था, स्टेडियम जो है, तो इसलिए वो नाम मैं आज तक कभी भूल नहीं पाया। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, अभी तो संन्यास है, सेवा भाव से राजनीति में भी आया, एक बार आमदार, तीन बार खासदार बना। क्रिकेट तो वही है, खेलने का तरीका बदल गया है, क्योंकि हमारे समय में कभी ये नहीं सोच सकता था कि कोई ऐसे उठा करके मार देगा या थर्ड मैन पे सिक्स कर देगा। और जिस समय हम लोग खेलते थे, चौके छक्के छक्के मारते थे, तो लोग उस समय कहते थे, अरे लोग ऊपर क्यों खेलते हैं, ज़मीन पर खेलना चाहिए, ऑल अलॉन्ग द ग्राउंड खेलना चाहिए। तो खेलने का तरीका बदला है, क्रिकेट नहीं बदला है कुछ। हाँ, कानून अवश्य बदले हैं, लेकिन जैसे जैसे खेल, पहले टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे 60 ओवर का हुआ, फिर 50 ओवर का हुआ, फिर 2020 आया, तो जैसे जैसे खेल छोटा होता चला गया और खेलने का तरीका बदलता चला गया। क्रिकेट में थोड़ी तेजी आ गई, क्वालिटी कम हो गई। क्वालिटी मतलब जो कहते ना कि उसके अंदर क्या जबरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी खत्म हो गई। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा ज्यादा। अब कोई शॉट मारता है, आउटर एज लग के 4 रन बन जाते हैं, तो वो 2020 के लिए बहुत अच्छे हैं वो 4 रन। लेकिन यही टेस्ट मैच में अगर 3 स्लिप एक गली हो, तो सीधा आपको पता लगेगा कि तीसरे स्लिप में आप कैच आउट हो गए। तो यह अंतर है। क्रिकेट पहले भी एंटरटेनमेंट था, आज मसाला एंटरटेनमेंट है। अन्नपूर्णा आप जानते हैं, हम उनको देवी के रूप में पूछते हैं। अन्न है ये पापी पेठी है, जिसके लिए दुनिया भर में इंसान, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे सब जिंदा रहते हैं। वो अन्न देते हैं हमारे लिए, अन्नदाता। और आप जब कोई कानून बनाएं और वह कानून अन्नदाता को पसंद ना हो जो अन्न कर रहा है, तो सामने बैठकर उनमें संशोधन करने चाहिए। लेकिन खेद इस बात का है कि जिसने हमें अन्न दिया, जिस पापी पेट के कारण हम जिंदा हैं, उनकी बात जब नहीं सुनी जाती, तो यह बहुत दुख होता है। जैसे IPL आया है और अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं, उन लोगों को पता लगता है अच्छा टैलेंट है, वो जाते हैं और जाकर उस स्थान से खिलाड़ी को लेके आते हैं। बुमराह उनमें से एक बहुत बड़ा आपके सामने उदाहरण है, जो कहीं पर खेलता था, रणजी ट्रॉफी नहीं मिलने खेलने को मिलती थी, स्कूल्स नहीं खेलने को मिला था, उसको उठा करके टीम लेकर आई, और आज देख लिए वो विश्व का सबसे बढ़िया गेंदबाज है। तो वह ऐसा एक क्लब है जिसको कि ढूंढ कर लाया गया। अब वो जमाना बदल गया कि कोई लोग अंगूठा मांग लिया करते थे। तो जिस प्रकार से खिलाड़ियों के अंदर हम टैलेंट देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि फ्रेंचाइजी जाते हैं जगह जगह और वहां से उन प्रतिभाओं को निकाल करके लेकर आते हैं। तो मैं यही कह सकता हूं कि ये कहना कि अवसर नहीं मिलता है, वह उचित न होगा। हाँ, राज्य की टीमों के अंदर अवश्य, जैसे हमारी दिल्ली में है, वहां पर किसी IAS IPS के बच्चे को खिला देना है, किसी मंत्री के बच्चे को खिला देना है, तो उससे क्या होता है, जो सही प्रतिभाएं हैं वो सामने नहीं आ पाती। लेकिन IPL में एक बात अच्छी है, चाहे कोई कुछ और कहें या ना कहें, कि वह वही बेस्ट 11 खिलाते हैं, वो वही 20-25 लड़के लेकर आते हैं जो उनको मालूम है कि यह परफॉर्मेंस करेगा। उसके अंदर कोई मंत्री का बच्चा या IAS IPS का बच्चा या किसी बड़े बिजनेसमैन का बच्चा नहीं होता। अब मैं यही कह सकता हूँ, देयर इज टू मच ऑफ पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स। आई होप वी हैव सम स्पोर्ट्समैनशिप इन पॉलिटिक्स। 370 हटने के बाद कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, तो हर रोज 6-7 हत्याएं हो रही हैं, लोग उस पर हत्याएं कर रही हैं। 15-15 लाख मिलने थे, 2 करोड़ नौकरियां आनी थी, एक बहुत ही ज़बरदस्त बुलेट ट्रेन आने वाला था, ऐसी सारी चीज़ें सुनी थी हमने, और अब न जाने क्या हो रहा है। आजकल सरदार पटेल जी की बात सुनता हूँ, जिस पार्टी को आज़ादी में लड़ाई लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते, वो आज कांग्रेस के सरदार पटेल जी का नाम लेते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। जो लोग देश की आज़ादी में 1942 में भारत छोड़ो में साथ नहीं थे, वो आज देश के विभाजन और राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे दो मुहे हो सकते हैं लोग। देखिए, यह तो निर्भर करता है लोगों ने क्या किया। और आज हमारा देश भारत, हिंदू नाम तो विदेशों ने हमें दिया था, स जो नहीं बोल पाते थे, सिंधु नदी नहीं बोलते थे, हिंदू नदी बोलते थे, तो कहते थे हिंदू दरिया के पार हिंदुस्तान जाना है। आज वही लोग जो हम लोगों की बात करते हैं, सनातन धर्म वालों की बात करते हैं, भारतीयों की बात करते हैं, वह विदेशी नाम हिंदू और हिंदुत्व की बातें करते हैं। यह मुझे बड़ा अजीब लगता है। और क्योंकि नागपुर गढ़ है, मेरा सविनय
मैं उनका बहुत सब चीज़ों पे उनको मैं उनको बहुत सलाम भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस विषय पर, हिंदू के विषय के ऊपर अवश्य मुझसे तर्क वितर्क हो, वार्तालाप हो। कहीं भी आप उठा के देखिए, जब पूजा होती है तो होती है यही बात होती है, भारत खंडे जम्बो द्वीपे, कोई हिंदू खंडे बात नहीं होती कहीं नहीं। किसी पुराण में, हमारे पुराण तो खैर बाद में बने 600 साल 700 साल पहले, लेकिन अगर आप वेद में उठा करके देख लें तो कहीं हिंदू आपको नहीं मिलेगा। यदि यदि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिल जाए, यानी कि 8 सालों के अंदर 16 करोड़ नौकरियां मिल जाए, यदि 15-15 लाख इंटरेस्ट के साथ वापस लोगों को मिल जाए, यदि 370 में कुछ लाभ हुआ हो तो वह सबके सामने पता लगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो 100 स्मार्ट सिटियां वापस बन जाएं, बड़ी खुशी होगी। वो पेट्रोल डीजल के दाम जो सेंचुरी यहां बना गई, हमारी टीम में, भारतीय टीम में प्लेयर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल सैकड़ा पार कर गई है यहाँ महाराष्ट्र के अंदर। सो आप ये समझ सकते हैं कि अगर उनको कम कर दिया जाए गैस सिलेंडर, उसको आप अगर देखें तो वो 1000 रुपए को टपने को तैयार बैठा है, तो आप सोचिए कि इसको मैं क्या कहूँ, विकास, वृद्धि। डॉलर जिसका कहा गया था कि डॉलर के दाम वह मनमोहन सिंह जी की उम्र को छू रहे हैं, आज उस डॉलर की परिस्थिति आप देखिए और सुनते क्या है, तुलना किससे होती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। कहाँ हमें तुलना अपनी करनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, या फिर चाइना के साथ बात करनी चाहिए, जो आंख लाल लाल करके उसको दिखाना चाहिए, वो दिखाते कहां है। तो मैं तो बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। देखिए, मैं इस हिंदू और हिंदुत्व को मानता ही नहीं, मैं तो भारतीय हूं, मैं तो सनातन धर्म में विश्वास करता हूं, किसी ने किताब, किसी ने उस पर जातिवाद पर लिख दी तो मैं उस बात को मानना शुरू करूं तो है ही नहीं। कर्म के आधार पर इंसान है, आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा नाम कीजिए, यह उचित है आपके लिए, यह सही है आपके लिए, उसके अलावा तो विश्वास नहीं करता। मैं तो विश्वास करता हूँ सूर्य चंद्रमा जल वायु अग्नि पृथ्वी, ये सब है जो सनातन धर्म है। अगर सूर्य ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। ये पृथ्वी के कारण से वातावरण है या वातावरण के कारण से पृथ्वी है? हमारे यहाँ मंडन मिश्र जी एक बहुत नामी थे, जिनको शंकराचार्य के सामने शास्त्रार्थ हुआ था, तो उन्होंने यह एक विषय रखा था, घी में घड़ा या घड़े में घी। तो ये सारी चीजें हैं, जब इन सब चीजों के बारे में बात होगी तब मैं समझूंगा कि हाँ बात है। ये हिंदुत्व करके, हिंदू मुसलमान करके, इंडिया पाकिस्तान करके कुछ नहीं होने वाला। जो इतिहास में चला गया भूल जाओ उसको, आगे देश के लिए सोचो। केवल पावर बना के रहने का कोई फायदा नहीं कि आप पावर में रहिए, पावर में रहना उसके लिए कुछ भी करना, उसका कोई फायदा नहीं। अस्पताल आप जाएंगे, किसी को खून की जरूरत है तो ये थोड़ा ना देखता है कि हिंदू का है, मुसलमान का है, फॉरवर्ड का है कि बैकवर्ड का है। जिसका खून जिससे मिलता है आप लेते हो यार, वही इंसानियत है, वही भाईचारा है, वही भ्राता है। इसी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, मुझे इन सब विषयों पर बात नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि आमने सामने बैठ करके बात होनी चाहिए। क्यों, किसने कहा था कि हम 1942 के लड़ाई में भाग नहीं लेंगे क्योंकि हम रानी के हुकूमत से बहुत प्रसन्न है? आजादी की लड़ाई में 1942 में नहीं भाग लिया, किसने कहा था? यह भी तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। जैसा आदमी तो संघार नरसंहार कराता था, हिटलर जैसा व्यक्ति नरसंहार कराता था, उसका काम था, वो कहता था मुझसे नफरत करो, देश से नफरत मत करो। देश और राष्ट्र में बहुत अंतर होता है, देश की सीमाएं तय होती है, राष्ट्र वह धर्म पर आधारित होता है, मजहब पर आधारित। धर्म तो सबका है, सच बोलना हमारा धर्म है, वायु का धर्म है, हमें हवा देना, जिस दिन बहना बंद हो जाएगा हम घुट के मर जाएंगे, जल का है कि वह हमारी तृष्णा बुझाए, जिस दिन जल अपना धर्म भूल जाएगी हम प्यासे मर जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो यह मजहबी बात होती है जब आप राष्ट्र की बात करते हैं, और जब देश की बात करते हैं तो देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति एक देशभक्त होना चाहिए।